है। कुल मिला के आज मेरी बाइक को भाई 1 साल हो गया है। आपने लिया वो? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ वाह, तो पीपल ऑन द बस कैसे करते बताओ। चलो और तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज डे 4 ऑफ डेली व्लॉगिंग एंड कुल मिला के भाई मज़ा आ रहा है। डेली अपना रूटीन, पहले ना मेरे को ऐसा लगता था बोरियत सा कि क्या मैं अपना डेली रूटीन दिखाऊं, भाई खुद एडिट करने में मज़ा आ रहा है कि मैं डेली क्या करता हूँ। ये करता हूँ रिकैप सा, ऐसा लगता है कि पूरा दिन जो है रिकॉल हो गया, सिर्फ ऑफिस के काम को छोड़ के अदरवाइज़ पूरे का पूरा दिन रिकॉल हो गया था। और आज गड़बड़ क्या हुई भाई, ये मतलब ऑफिस एंड हो चुका है, मतलब दफ्तर का काम ख़त्म, अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। सुबह मैंने व्लॉग बनाया भाई, मतलब इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बोली, और मैंने ऑफिस में जाके देखा तो इसका माइक अडेप्टर हटा हुआ था। एक्चुअली कल मैंने डेटा ट्रांसफ़र करा था, वो माइक अडेप्टर हटा का हटा रह गया। मैंने यार शिट, ये तो बैंगन हो गया बैंगन भाई। बड़ा बुरा लगता है जब आप पूरा कंटेंट बना दो, और नॉर्मल सी बात है, हम एक्टर तो है नहीं भाई, एक्टिंग तो कर नहीं सकते। जो दोबारा बोला है वो दोबारा से रिपीट और उस ही एनर्जी के साथ, तो पॉसिबल नहीं होता। कुल मिला के कोई नहीं, मैंने बोला अब वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर देते, अगर इन केस उसमें वॉइस सही होगी तो वो क्लिप में डाल दूंगा, ऑल दो वो नहीं होने वाला है, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। कुल मिला के आज मेरी बाइक को भाई 1 साल हो गया है, 22nd of August 2023। ये सपना रॉयल इनफील्ड का सपना मैंने तब देखा था जब मेरी बाइक चोरी हुई थी 31 जनवरी, उसके कुछ टाइम बाद ये लॉन्च हो गई थी। और अगर मैं करेक्ट हूँ भाई तो ये शायद 22nd of August को ही इंडिया में आई थी, अब वो ईयर मेरे को नहीं पता, और हो सकता हूँ मैं डेट में भी गलत हूँ। कुछ है मतलब इनफील्ड से रिलेटेड, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या है। कुल मिला के इसको आज 1 साल हो गया भाई, इसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। अब अरे भाई, घर जाके कस्टमर केयर पे बात करनी है, पहले तो इसका इंश्योरेंस वाला काम ख़त्म कराना है, उसके बाद आगे कोई दूसरा काम करूँगा। कुल मिला के ये है, सोचा था आज वॉश करा लूँ इसको, थोड़ा सा पैम्पर कर दे भाई, जन्मदिन है इसका, आज 1 साल की हो गई है मेरे पास। माना कि इसकी शक्तियों का मैं अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, बेचारी घर ऑफिस, जितनी मेरी प्लेजर चल रही थी उतना ही है। ऑल्दो KTM भी मेरी उतनी चलती थी, बट हाँ KTM ने भाई घाट घाट का पानी पिया है, मतलब घाट घाट का पेट्रोल पिया है, ये मैं बोल सकता हूँ भाई। मतलब दिल्ली में वो चली ही नहीं है, वो शायद 33 या 32 हज़ार किलोमीटर्स मैंने उसमें क्लॉक किए हुए हैं, और नाना करते हुए भाई वो 28,000 किलोमीटर बाहर चली, क्योंकि मैंने रिसेंटली उसको ऑफिस लाना शुरू करा था, ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं था। नॉर्मली पहले मैं बस में ही ट्रैवल करता था, फिर मैंने बीच में जब फ़ोन वोन चोरी हुआ मैंने बोला नहीं भाई ये रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने बाइक से ट्रैवल करना शुरू करा। कुल मिला के उससे बहुत ज़्यादा मेमरीज़ है, तो ठीक है अभी बाइक नहीं है तो इससे उतनी ज़्यादा है नहीं, बना लेंगे, कोशिश यही है, करेंगे इसके साथ भी धीरे धीरे धीरे। उसके साथ भी मतलब 3 साल तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ा था भाई, बैक टू बैक एक्सीडेंट हुए थे, उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। फिर हमारे पास कुछ मित्र मंडल ऐसे हैं कि भाई तू चला लेगा, एक बार उसने कीड़ा लगाया तो फिर तो मज़ा सा आने लगा। मैंने बोला अब तो बाइक पे ही चलना है, कुल मिला के इसी ने देखता हूँ अगर इसको वॉश कराने का मन करा, बट अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा हो गया ना। देखो डेली व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, आप पहले वीडियो रिकॉर्ड करो, उसके बाद एडिट करना, थंबनेल बनाना, वही रात के 11:30-12 बज जाते हैं भाई कुल मिला के। फिलहाल अभी देखते हैं, अभी तो घर के नीचे चलते हैं, कल क्रिकेट भी है भाई, कल क्रिकेट खेलना है, अगर टाइम मिला तो बैट भी अपना मेरे को ठीक करना है, क्योंकि मैं उससे काफ़ी टाइम से खेला नहीं हूँ। तो फिलहाल सीधा घर मिलते हैं आपको। चलो भाई, इंश्योरेंस वाला काम निपटा लिया मैंने, मैं भूल ही गया था मैं क्यों ऑनलाइन लगा हुआ था। ये किसने मैंडेटरी होती है भाई? अच्छा वो उसके लिए कि कोई क्लेम ना ले लें। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं भाई, हाँ फोटो अच्छा ठीक हम ले लेते हैं, बस जरूरत नहीं है। चलो थैंक यू भाई, जिनका एक बार होता है उनमें दिक्कत भाई। मैं इसको फ्राइडे से लगा हुआ हूँ लेने के लिए ना, उस दिन ICICI लोम्बार्ड से मैंने उस दिन से 1800 या 2200 का लिया था, वो मेरे मंडे को रिफंड आ गया। अब फिर मैंने ऑफिस से पूछा था कि KYC वगैरह कुछ होता है, जो अभी शायद आपने लिया हो। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू भाई।
भाई एक टेंशन ख़त्म। मेरी KTM भी ऐसी गई थी भाई, इसीलिए मैं ऐसी खाटी में था कि मेरे को पहले इंश्योरेंस कराना है। KTM वाला सीन ऐसा हुआ था भाई, सुबह मम्मी से बात करा था, मम्मी शाम को सैलरी आ जाएगी, इसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, इंश्योरेंस एक्सपायर है। साला कुछ घंटे का टाइम नहीं दिया उन्होंने मुझे, लेके भग लिए। अरे कोई नहीं, इसका इंश्योरेंस हो गया है। चल भाई तेरे को पैम्पर कर दिया है, 2000 रुपये का फालतू नहीं बोलेगी अब तू, धोऊंगा मैं तुझे खुद। चलो भाई बैक होम, ब्लैक कॉफ़ी निपटाते हैं, जिम निकलेंगे, वीडियो एडिट करनी है। जब से ये डेली व्लॉगिंग शुरू करी है ना, मैं जिम लेट जा रहा हूँ, बट अभी मैक्स 10 मिनट वेट करूँगा, थोड़ा सा सांस ले लें, उसके बाद सीधा निकलूँगा जिम, वर्कआउट निपटाऊँगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और वीडियो एडिट करूँगा। आके बने रहिए वीडियो में। ताता नहीं है अभी तो, नॉर्मल हो गए। ये है क्या चीकू? अरे ये क्या, ये टाटा है? टाटा नहीं, अभी क्या बोल रहे थे आप? ब्रीड क्या चीकू? नहीं यार, खाने तो ढंग से, अरे ऐसे मत करो ना। हाँ खाओ, उसको खाओ। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? बता दो इसको क्या बोलते हैं, इसमें इसको क्या कहते हैं जी? अभी क्या खाया आपने? मामा, मामा नहीं, बीबी। क्या खाया है जी? बीबी। जलेबी खाई? और क्या खाया आपने? टिबला है। पराठा नहीं खाया? नहीं। क्यों? ओ व्हाई? अरे बताओ ना, पराठा क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया पराठा? हाँ व्हाई? पराठा खा रहे पीपल ऑन द बस कैसे करते बताओ। चलो अरे बाबा, डोर ऑन द बस गो, अरे बाबा, वाइपर ऑन द बस, मोटर ऑन द बस, अरे बाबा, और हॉर्न ऑन द बस, हॉर्न, अरे बाबा। चलो भाई आज का वर्कआउट तो मैंने ऐसी वेस्ट कर दिया, मैंने जलेबी खा ली। क्या खाई चीकू आज हमने? नहीं नहीं जलेबी। हाँ। क्या खाई? जलेबी। हाँ। अभी फिलहाल वीडियो एडिटिंग पे बैठते हैं भाई, ऑलमोस्ट 10 बज गए, वीडियो एडिट हो गई है, थंबनेल और टाइटल बनाना है मस्त, अभी थोड़ी देर बनाएंगे। आज नींद आ रही है, नींद तो खैर डेली आती है बट आज ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा वारी आ रही है। आज वर्कआउट तो बेकार ही किया, आज मीठा दबा लिया, थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन थी, मैंने बोला खा लेते हैं मिठाई थोड़ी सी। अभी तो फिलहाल का प्लान यही है कि क्रिकेट खेलना है, बैट मेरा अभी भी रेडी नहीं है, रोहतक से मैं सारा सामान लेके आ गया था बट अभी तक मैंने इसमें बैंडेज लगाया ही नहीं है, तो अभी मुझे रिस्क लेना नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे एक अच्छा बैट मिला है और रन भी लग रहे हैं इस बैट से। खैर ऐसा नहीं कि बैट से रन लग रहे हैं, ठीक है अभी टाइम अच्छा चल रहा है क्रिकेट को लेकर। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इसी किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।